बना के दिखाएंगे हमारे घर में, हमारे रसोई में जो ये आलू गोभी की सब्जी बनती है, आलू गोभी का सीजन चल रहा है, तो आलू गोभी की जो सब्जी है हम वो हमारे यहाँ बिहार में बहुत ही फेमस है, तो हम आपको दिखाएंगे हम अपने बिहार का आलू गोभी के सब्जी का रेसिपी। तो जो हमारे आलू गोभी की सब्जी में इस्तेमाल होने वाला जो भी मसाला वसाला है वो ऐसे है कि ये हरी मिर्च आप देख ही रहे हैं, और धनिया का पत्ता, प्याज, जीरा, ये काश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, और ये जो है धनिया का पाउडर है, ये एक बड़ी इलायची और दो छोटी इलायची है, ये बॉयल्ड आलू है, और ये गोभी है जिसको धो लिया गया है और काट दिया गया है, और ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जीरा पाउडर, लहसुन अदरक हरी मिर्च जीरा पाउडर का पेस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे कढ़ाई जो था उस पर हमने थोड़ा सा ये सरसों का तेल पहले से डाल रखा था इसको गर्म होने के लिए, जब इसमें से धुआं निकल रहा है, गर्म हो गया है, तो हम अभी अपना ये जो गोभी देख रहे हैं आप, इसको गोभी को हम फ्राई करेंगे। तो गोभी अभी फ्राई हो रहे हैं, क्या हुआ था इसमें थोड़ा पानी था जो धुलाई के समय, इसलिए आप लोगों ने देखा काफ़ी छीटा उड़ रहा था तेल का, तेल गर्म था तो हम थोड़े दूर चले गए थे, अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अभी हम गोभी का फ्राई कर रहे हैं। तो हम अभी इसको फ्राई कर ही रहे हैं तकरीबन जब तक ये गोल्डन कलर का, हल्का ब्राउन कलर का, मतलब भुनाएगा तो उसका कलर आएगा, भूरा कलर का ये हो जाएगा पक के, तब तक हम इसको हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। तो अभी देख रहे हैं आप हमारा गोभी जो है कलर ले रहा है धीरे धीरे। अब इसे हम क्या करेंगे, आलू को मिक्स करेंगे ताकि आलू भी साथ में हमारा फ्राई हो जाए। बॉइल किया हुआ आलू है, हम आलू और गोभी को फर्स्ट क्लास भून लेंगे, इसको तब तक भूनेंगे जब तक दोनों ही अच्छे से लाल ना हो जाए। एक तरफ हम चावल बना रहे हैं ताकि आज हम आलू गोभी की सब्जी और भात मज़े लेकर खाएंगे। हमारे यहाँ इसको आलू गोभी का दम भी बोलते हैं, आलू गोभी का दम, दम वाली सब्जी। तो अब हमारा आलू गोभी जो है पूरा भुजा गया है, अब इसको हम एक कटोरे में उतारेंगे। क्योंकि बोल मैं रहा हूँ और काम हमारी मिसेस कर रही हैं, दोनों आदमी का मिला जुला वर्क चल रहा है, बोलने का, वीडियो बनाने का मेरा और बाकी काम मेरी मिसेस कर रही हैं। तो अभी आलू गोभी को हमने कढ़ाई से उतार लिया है, अब इसी कढ़ाई में हम सरसों का तेल रखेंगे हिसाब से, आप जितना खाना पसंद करते हैं या सब्जी में जो ज़रूरी है उसी हिसाब से तेल ऐड करेंगे कढ़ाई में, तेल को गर्म होने के लिए थोड़ा देर और छोड़ेंगे। तेल हो गया है गर्म,
अब इसमें हम लोग डालेंगे जीरा। वाह, अब जीरा देखिए कैसे अपना कलर बदल रहा है, यानी सुनहरा कलर का होते जा रहा है, ब्राउन कलर का होते जा रहा है, पक गया है जीरा। अब इसमें हम इलायची छोटी और बड़ी डाल लेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद प्याज कटा हुआ और प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी जब तक इसको चलाते रहेंगे तब तक ये पूरा भूरा ना हो जाए, तब तक हम इसको तो हम अभी इसको हमारे यहाँ जो इसको बोलते हैं छोलनी, छोलनी से इसको चलाते कढ़ाई में जब तक ये पूरा पक के भूरा ना हो जाए। कभी कभी हम भी इसमें हाथ आजमा लेते हैं, इंतज़ार करेंगे प्याज के भूरा होने का। तो आप देख रहे हैं हमारा प्याज एकदम भुजा गया है, मतलब भुना गया है। और अब हम इसमें मसाला डालेंगे, जो हमारा पीसा हुआ मसाला था। वाह, गजब का खुशबू आ रहा है। अब इसमें जो हमारा हल्दी, कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर था वो भी डाल देंगे। वाह, झांस लग रहा है। झांस, झांस का मतलब जो बिहार यूपी में और झारखंड के लोग देख रहे होंगे तो पक्का समझेंगे कि मसाला डालते हैं जो झांस निकलता है वो झांस लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्वाद होने वाला है। अभी जो सुगंध आ रहा है उससे लग रहा है। अभी हम इसको मिक्स करके चलाते रहेंगे जब तक अब मसाला ना पक जाए हमारा। तो दोस्तों अभी हमारा जो ये मसाला 2-3 मिनट तक भुजाया है, 2-3 मिनट के भुजाने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर मिलाएंगे। वाह, और साथ ही साथ नमक भी मिलाएंगे और फिर इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 से 7 मिनट तक हम इसको अभी फ्राई किए हैं और अब ये तेल छोड़ रहा है मसाला, टमाटर भी पूरा इसमें मिक्स हो गया है। तो हम इसमें आलू और गोभी जो फ्राई किए थे उसको मिला देंगे और इसको फिर से चलाएंगे। आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत कलर अभी लगने लगा है हमारा आलू गोभी का। ये आलू गोभी का दम हमारे बिहार में बहुत फेमस है। इसको हम लोग ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि आलू हम लोग बॉईल किए थे और उसके बाद आलू गोभी फ्राई कर लिए थे। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे जरूरत के हिसाब से, मतलब जितना हम इसमें मसाला डाले हैं या जितना हमने खाना है उसी हिसाब से पानी डाल देंगे। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं मगर वो जो लाल मिर्च पाउडर आता है वो हम लोग नहीं डालते, हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो 4-5 मिनट के ढक के पकाने के बाद हम इन्हें प्लेट को हटाएंगे और देखिए, चूँकि गोभी को पकाना होता है, गोभी कच्चा फ्राई हुआ था इसको पकाना होता है। तो हमारा जो ये आलू गोभी का दम रस वाला तैयार है। अब इसमें हम हल्का सा धनिया पत्ता का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा खाने में दोस्तों, सच बता रहा हूँ।
इधर बातों बातों में हमारा चावल भी बन के तैयार है। चावल भी निकाल ले रहे हैं, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो फाइनली अब सब्जी बन के हो गया है तैयार और चावल भी हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो चावल सब्जी अब हम निकाल रहे हैं। अब हम इसके साथ साथ अभी सीजनल मूली और हरी मिर्च ले लेंगे, और अगर आपको अचार खाने का शौक है तो आप अचार भी ले सकते हैं, जैसे मैं लूंगा। तो ये हमारा बन के रेडी है, आलू गोभी की सब्जी, अचार, चावल मूली के साथ और हरी मिर्च के साथ। तो अब मैं आपको खा के बताऊंगा कि कैसा बना है हमारा आलू गोभी का सब्जी। काफी गर्म है अचार, आम का अचार, आम के सीजन में हमने बनाया था। बहुत बेहतरीन, लाजवाब लग रहा है, आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा तीखा है, हमने तीखा बनाया था, हरी मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा किया है। मुझे लग रहा है हरी मिर्च का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, और बहुत ही सुंदर बना है, आप भी ट्राई कीजिए घर पे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।